हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ Neo 7 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है फिंगरप्रिंट लॉक कैसे सेट कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन पे, और ये फिंगरप्रिंट लॉक जो है सेट होने के बाद आपके मोबाइल फ़ोन की सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए आप ये वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज आपको ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा सिक्योरिटी का, सिक्योरिटी पर आपको इसे सेलेक्ट करना है। आप सिक्योरिटी के इस पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा फिंगरप्रिंट पे आपको इसे सेलेक्ट करना है। अब अगले पेज में आपने जो भी आपने स्क्रीन लॉक लगा रखा है ना अपने फोन पे, उस स्क्रीन लॉक को आपको यहाँ पे एंटर करना है। राइट क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन होगा, ये वाला। आपको नीचे की साइड स्टार्ट का ये ब्लू कलर में बटन शो होगा, इसे आपको सेलेक्ट करना है। तो आपका नेक्स्ट पेज आएगा, इसमें अब आपको जो है ना अपना ये फिंगरप्रिंट आइकन पे अपना कोई भी एक उंगली को टच करना है, उठा उठा के, ठीक है। किसी भी एक उंगली का यूज करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से टच करते रहिए किसी भी एक उंगली को उठा उठा के सेंसर पे टच करना है फिंगरप्रिंट के, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो फिंगरप्रिंट है वो आपका स्कैन होने लग जाएगा ऊपर की साइड में। जब तक आपका ये फिंगरप्रिंट पूरी तरीके से स्कैन नहीं हो जाता है तब तक आपको उंगली को उठा उठा के टच करते रहना है सेंसर पे, ठीक है, फिंगरप्रिंट सेंसर पे। तो इस तरीके से जो है ना आपका ये सेंसर कंप्लीट हो जाएगा स्कैनिंग। तो आपको नीचे की साइड ये डन का ऑप्शन मिलेगा, इसे सेलेक्ट करना है। तो आपका फिंगरप्रिंट का ये पेज आएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं फिंगरप्रिंट 1 लिखा हुआ है, यानी कि आपका फिंगरप्रिंट लॉक सेट हो चुका है आपके फोन पे, ठीक है। अब ये फिंगरप्रिंट लॉक सेट होने के बाद आपके मोबाइल फोन की सेटिंग कैसे काम करती है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब भी आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन को लॉक करेंगे ना तो आपके मोबाइल फोन के सबसे नीचे ये फिंगरप्रिंट सेंसर आपको दिखाई देगा, इसे आप टच करेंगे उसी उंगली से तो आपका फोन अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेटिंग जो ना इस तरीके से काम करेगी आपके फिंगरप्रिंट लॉक सेट होने के बाद। अब मैं आपको इस सेटिंग को है ना ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूं आपके मोबाइल फोन में। इसके लिए आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज फिर से ओपन करना है, और सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर सर्च आइकन का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और यहां पर आपको सर्च बार में टाइप करना है फिंगरप्रिंट, ठीक है। फिंगरप्रिंट आपको यहाँ पे टाइप करना है इस तरीके से, तो आपको नीचे की साइड ये फिंगरप्रिंट के ऑप्शन शो हो जाएंगे। आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट का ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसके नीचे सेटिंग सिक्योरिटी लिखा होगा। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग में लेकर आ जाएगा। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया इस सेटिंग को ढूंढने का।